जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि आप सभी का गुरु रजनी ऋषि जी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, जहाँ आज की चर्चा का विषय है कि ये जो समय है अगस्त का 2022 में, आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है इनकम की दृष्टि से, यानी कि धन संपत्ति का कितना आगमन आपके पास होने वाला है, बैंक बैलेंस की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय शुभ है या अशुभ है, इस सब बातों की चर्चा आज हम विस्तार से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। यहाँ पर अध्ययन होगा इस महीने में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन का और इसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार पड़ने वाला है, जब हम इनकम का यानी कि आपकी आमदनी का अध्ययन करते हैं, कर्जों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो भक्तगणों, हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप अंत तक जुड़े रहिए। मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, जो कि वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए भक्तगणों, अब बिना विलंब के आज की इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए भक्तगणों, चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी जो इनकम की स्थिति है यहाँ पर अगस्त 2022 में किस प्रकार रहने वाली। अब उनकी इनकम की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो कुंडली के हम लोग 11वें और द्वितीय भाव का अध्ययन करेंगे। दोनों के ही स्वामी आप लोगों के लिए एक ही है, बुध देवता। अब बुध देवता को तो अगर हम लोग देखें तो महीने की शुरुआत में वो यहाँ पे लग्न भाव में स्थित है। लग्न भाव में स्थित बुध जो है उनका जो दिशा बल है वो सबसे अधिक है, तो ये तो आप लोगों के लिए एक बड़ी फेवरेबल सिचुएशन है। 1 से 20 तारीख तक बुध इसी स्थिति में रहेंगे, यानी कि आपका पूरा जो फोकस है वो कैसे आपकी इनकम बढ़े, कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़े, कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़े, कैसे आप जीवन के सभी लग्जरीज का आनंद ले सके, इस ओर आपका ध्यान केंद्रित होगा। बुध आपको प्रेरित कर रहे हैं इस समय पर, वो आपकी क्रिएटिविटी में भी वृद्धि करेंगे, आपको नए नए रास्ते दिखाएंगे जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकें। इस समय पर लिए गए डिसीजंस आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाले हैं, क्योंकि ये बुध आपको हर प्रकार की एनालिटिकल इंटेलिजेंस दे रहे हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस हम किसको कहते हैं, कि आप अपने बिजनेस को या अपने काम को, चाहे आप नौकरी ही क्यों ना करते हो, आप उसका आकलन कर सके, उसको एक गोल से जोड़ सके और फिर ये देख सके कि क्या आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं, क्या हर महीने आप अपने गोल की ओर प्रगति कर रहे हैं, क्या अगर आप चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो परंतु आपका एक बैंक बैलेंस तो है, अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए आप अपने बैंक बैलेंस के वृद्धि करना चाहेंगे, तो उस ओर आपका ध्यान केंद्रित होगा कि मैं कहाँ ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं जो मैंने धन एकत्रित किया है वो और बढ़ सके, उसमें वृद्धि हो सके। तो इस दिशा में उठाए गए कदम इस समय पर आपको सफलता जरूर देंगे, और 1 से 20 तारीख तक इस दिशा में उठाया गया कदम आपको 20 तारीख के बाद उसका और अधिक फल देगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बुध अपनी ही राशि कन्या राशि जहां पर जाके वो उच्च हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, वहां पर प्रवेश कर जाएंगे, तो बुध आपको बेहतरीन फल देने वाले हैं। तो ये पूरा महीना सिंह राशि के जातकों के लिए इनकम की दृष्टि से फेवरेबल है। पिछले महीने उन्हें परेशानी आ रही थी क्योंकि बुध जो कि इनकम के मालिक थे वो यहाँ पर खर्चों के भाव में जाकर बैठ गए थे। हर प्रकार से आपका जो धन था वो खर्च हो रहा था, फिर चाहे आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले रहे थे वो गलत जा रहे थे, या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई डिसीजन ले रहे थे और वो उल्टा ही आपको प्रभाव दे रहे थे, परंतु अब इस समय ये स्थिति नहीं रहेगी, आपको शुभ फल जरूर प्राप्त होंगे। इसमें और वारे न्यारे कब होंगे, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त को, खर्चों के भाव से निकलकर आकर लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि आपके राशि स्वामी सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश कर गए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इस समय पर और अधिक सफलता मिलेगी, तो ये 17 अगस्त के बाद होगा। तो 17 से 31 अगस्त अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल समय है। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं भक्तगणों, तो यहां पे हमने समझा
ये जो समय है सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा शुभ अभी तक जा रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ भैया, कर्मों की दृष्टि से भी फायदा हो रहा है, इनकम की दृष्टि से भी फायदा हो रहा है, और व्यक्ति की अभी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो तो मुख्य तौर पर जो युवा है उनकी महत्वाकांक्षाएं तो इसी दिशा में रहती है, परंतु सभी को समान रूप से ये फल प्राप्त नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है कि उनकी जन्म कुंडली में विराजमान जो ग्रह हैं वो कमजोर स्थिति में होते हैं और फिर वो उनको शुभ फल नहीं दे पाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य या बुध आपकी कुंडली में कमजोर है, तो फिर आपको ये शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आप विपरीत दशाओं में चल रहे हैं उन ग्रहों की, तो भी आपको शुभ फल इनका प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो भक्तों, इसलिए आवश्यकता होती है कि अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं अगर जीवन में किसी भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जो मुख्य ग्रह हैं, चाहे वो कर्मों के मालिक हो, लगन के मालिक हो, भाग्य के मालिक हो, इन तीनों की मजबूती तो बहुत जरूरी है अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अगर भाग्य कमजोर रह गया, कर्म ही सिर्फ मजबूत है, तो आप मेहनत ही मेहनत करते जाएंगे, फल नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ भाग्य मजबूत है, कर्म कमजोर है, तो किस्मत से कभी कभी तो मिल गया, परंतु अगर हम देखें ओवरऑल तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। और लग्न कमजोर है तो भैया स्वास्थ्य ही कमजोर हो गया, फिर तो ना भाग्य का फायदा ना कर्म का फायदा। तो ये तीन बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और इनको मजबूत करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा के अपने लिए विशेष तौर पर उपाय प्राप्त करने चाहिए। इनके लिए मंत्र से राशि रतन आपको धारण करने चाहिए, जो आप हमारे शनिपीठ मंदिर से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगणों, अगर आप अपने लग्न के मालिक, भाग्य के मालिक या कर्मेश को नहीं जानते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे यानी हमारे शनिपीठ मंदिर में गुरु रजनीश ऋषि जी से, जिनको 30 वर्षों से भी अधिक का ज्योतिष का अनुभव है, इसी प्रकार मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि से आप करवा सकते हैं, और अपने लग्न के मालिक, भाग्य के मालिक, कर्म के मालिक को जानकर उनको अपने लिए और अनुकूल बनाने के लिए कि उनके फायदे और अधिक आपको मिले, वो उपाय प्राप्त कर सकते हैं जो इनको मजबूत करेंगे। तो बिल्कुल भी आप विलंब ना कीजिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके आज ही हमारा अपॉइंटमेंट लीजिए। फोन कॉल, वीडियो कॉल या पर्सनली मिलकर आप हमसे ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये उपाय हमसे ले सकते हैं, ताकि आप जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर सकें। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी के लिए एक शक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती है। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं, जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब
परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे, उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं, वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा, डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकें इस अद्भुत पुस्तक में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है। उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारी मंदिर की ओर से, शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहां आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, वो बिना किसी झिझक के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं, वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत जिसे मैं स्वयं करता हूं, उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है, एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट आपको घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। जय शनिदेव। जब से मैंने आपसे मिला हूँ, आपसे बात की है, तब से मेरा बहुत अच्छा हो गया है। मेरे सारे रुकों में काम चल गए हैं। मेरे ऊपर जो परेशानियाँ थी वो सारी मेरी लगभग लगभग लाइन पे हैं, ख़त्म होने जा रही हैं। और जैसे ही आपसे बात, मेरे मेरे परिवार को ऊपर बना करके रखी, और मैं चाहूँगा कि आपके मैं दर्शन भी करूँ, और कभी ऐसा मेरे को भी कुछ अवसर दीजिए जिससे कि मैं भी आपको कुछ काम आ सकूँ। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, और मेरे परिवार में, मेरे भाइयों के परिवार में सब जगह मैंने एक अच्छा फील किया है। मन में शांति है, मेरे परिवार में भी शांति है, और मेरा कारोबार भी आगे बढ़ रहा है। मेरा जो पीछे लॉस थे वो भी कहीं ना कहीं कवर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम पे आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं रेडी हूँ, और पूरे तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके साथ हूँ। मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, और मेरा यहाँ पर ठीक ठीक कारोबार है। मेरा नाम मोहनपाल है। मैं आपसे यही चाहूँगा कि ऐसे ही सब लोगों का आप भला करते रहें, सब लोगों को आशीर्वाद देते रहें, और जो भी लोगों के लिए बन सकता है जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए जो आपने किया है उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। चलिए बच्चों, अब
मैं आप लोगों के लिए जनता दरबार की जो सूचना है उसको दोबारा दोहरा रहा हूं। जनता दरबार हमने क्यों लगाया है? आप जैसे बहुत से भक्तगण ये महसूस करते हैं कि अभी आप फाइनेंशियली कमजोर हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए राशि आप जमा नहीं करा पाते हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने जनता दरबार की शुरुआत की। ये जनता दरबार हर गुरुवार, हर शनिवार, हर रविवार को हमारे शनिपीठ मंदिर में लगाया जा रहा है और यहां पर कोई भी शनिपीठ मंदिर का भक्त, कोई भी सनातन धर्म में मानने वाला जो भी भक्तगण है वो यहां पर आ सकते हैं और अपनी परेशानियों के उपाय मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। एक रुपया भी आपसे फीस में कोई नहीं लेगा यहां पर और आपकी परेशानियों के उपाय जरूर बताएंगे। तो भक्तगणों, यहां पर जनता दरबार में आप आए, अपनी परेशानियों के उपाय प्राप्त करें और हमारे जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसका लाभ लेकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो और डिटेल्स अगर आपको जनता दरबार की चाहिए हो तो स्क्रीन पर आपके सारे सामने सभी नंबर आ रहे हैं, किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए। आपको जनता दरबार के बारे में जो भी सूचना प्राप्त करनी है वो यहां से आपको मिल जाएगी। यहां पर शिरकत कीजिए और अपनी परेशानियों के लिए उपायों को हासिल कीजिए। चलिए भक्तों, अब आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। भक्तगणों, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय शनिदेव। Thank you.